नमस्कार दोस्तों, जब हम अपनी गेहूं की फसल की पहली सिंचाई करते हैं तो उसमें बहुत से खरपतवार हुआ होते हैं। और दोस्तों, कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं जो हमारे गेहूं के साथ ही उग जाते हैं। तो दोस्तों, यदि इन पर समय रहते नियंत्रण न किया जाए तो ये हमारे द्वारा लगाए गए फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा भाग चट कर जाते हैं और हमारी फसल से प्रतिस्पर्धा शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी फसल की पैदावार घट जाती है। तो दोस्तों, इन पर नियंत्रण करने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी फसल में कौन कौन से खरपतवार हैं और ये किस खरपतवार नाशक दवा से मरेंगे। तो दोस्तों, ये जो खरपतवार होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं संकरी पत्ती वाले खरपतवार और दूसरे होते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संकरी पत्ती वालों पर। इसके बारे में बताएंगे, इनके नाम बताएंगे और इसमें कौन सी दवा लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए और किस समय लगनी चाहिए, ये पूरी बात आज आपको बताएंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, हमारे जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनमें होता है गेहूं का मामा, जिसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। ये पत्ती इसकी लंबी होती हैं और पतली होती हैं। और दोस्तों, दूसरा होता है जंगली जई और सांवा। और दोस्तों, इसके साथ साथ इसी प्रकार संकरी पत्ती के बहुत से खरपतवार होते हैं जिनको नष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसके लिए कई दवाएं मार्केट में आती हैं, जैसे सल्फोसल्फिरॉन 75% WG और आइसोप्रोटॉन 75% WP। और दोस्तों, तीसरी दवा जो आती है वो आती है क्लोरिनाफॉप 15% WG। तो दोस्तों, इनमें से आप कोई भी दवा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो आपसे सिफारिश करूँगा वो करूँगा क्लोरिनाफॉप, जो 15% WG के रूप में आती है, उसका आप प्रयोग करें। क्योंकि दोस्तों, ये जो दवाई है इसका असर अच्छा होता है और हमारी फसल पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो दवाई आती है ये 160 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। आप 160 लीटर पानी लीजिए और ये 160 ग्राम दवाई आप लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिलाइए और पानी में घोलकर स्प्रे कीजिए। तो दोस्तों, ये जो दवाई आती है इसमें 20-20 ग्राम की 8 पुड़ियाँ निकलती हैं 1 यूनिट में। तो ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। आप चाहें तो जो टंकी होती है 16 लीटर से 20 लीटर तक की, तो आप 1 पुड़िया आप डाल सकते हैं और उसमें अच्छी तरह से मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ हमें सावधानियां भी बरतनी होंगी, क्योंकि जिस समय हम स्प्रे करते हैं तो उसकी अवस्था होनी चाहिए करीब 35 से 40 दिन की। यानी कि पहली सिंचाई के बाद हमें स्प्रे करना चाहिए, जब हमारी ज़मीन थोड़ी हल्की नमी कम हो जाए और पैर सहलने लायक जगह हो जाए, तब हमें उसमें स्प्रे करना चाहिए। यदि हम ऐसा स्प्रे करते हैं तो हमारा जो खरपतवार है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और हमारी गेहूं की जो फसल होगी वो अच्छी होगी और हमें पूरी पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगला वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा।